तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जब कोई भी स्लेट जो होती है वो कोरी होती है, खाली होती है, या पन्ना जब खाली होता है तो उस पर आप जो भी अंकित कर देते हैं, जो भी लिख देते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिलों दिमाग में, आपके मस्तिष्क में घर कर जाता है। वही पटपाती हम बचपन से सीखते आते हैं, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे शिक्षक के रूप में हो। नमस्कार, पल पल इंडिया न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का मैं प्रखर स्वागत करता हूँ। एक ऐसे ही शिक्षक जो लगातार अपने बच्चों को एक अच्छे रास्ते में, अच्छे मार्ग में अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। बरेला क्षेत्र माँ शारदा के नाम ये जाना जाता है। नवरात्र भी पर्व शुरू होने वाला है और उन्हीं का आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा उनके ऊपर लगातार है कि वो लगातार ऐसा सेवा भाव अपने मन में लिए हुए हैं और समाज के हित के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं मयंक जी। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट कोचिंग से, चूँकि आपकी नाम कोचिंग का नाम भी स्टूडेंट है। बहुत बहुत स्वागत है पल पल इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू सर। नमस्कार सर। मयंक जी, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाने का जो ख्याल है, कैसे आपको प्रेरणा मिली? चूँकि आप तमाम दर्शकों को मैं बता दूँ कि मयंक जी निःशुल्क अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और लगभग 150 से अधिक बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं। मयंक जी, शुरुआत कैसे हुई, प्रेरणा कैसे मिली? सर, शुरुआत का ऐसा था कि मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र हूँ और मेरा ये देखता था कि मतलब बहुत से छात्र ऐसे होते थे कुछ फीस के कारण शिक्षा से वंचित हो जाते थे। तो मेरा हमेशा से ये था कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर लूँगा तो उसके बाद मैं कुछ ऐसा काम करूँगा अपने बरेला परिक्षेत्र के लिए कि कोई भी छात्र या छात्रा शिक्षा से वंचित ना हो कभी। और जब से मैंने शुरुआत की है तो अभी तक लगभग 607 छात्राएँ जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और इस साल भी बैच में लगभग 150 से अधिक छात्राएँ अध्ययनरत हैं। और हमारा प्रयास है कि बरेला परिक्षेत्र में जो भी छात्राएँ ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हों या उनके पास आर्थिक साधन नहीं है तो हम लोग पूरा उपलब्ध कराते हैं। मैं स्वयं से पूरा उनको, या हमारे सहयोगी मिराज सर हैं, उनको उनके साथ मिलकर लगभग 8 से 10 घंटे का हम लोग पर डे बच्चों को सेपरेट बैच, हर क्लास का एक एक घंटा हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए आपको मयंक जी एक टीम की भी आवश्यकता पड़ती होगी, और भी शिक्षक होंगे जो आपके साथ में कार्यरत होंगे, आपका एक संगठन होगा, तो किस तरह से आप उन्हें जोड़ते हैं और कैसे वो अपनी सेवाएँ दे पाते हैं? सर है मिराज सर है मेरे साथ जो 6 और 7 को पढ़ाते हैं, साथ में अंशिका पटेल हैं जो 4th-5th की क्लासेस लेती हैं और मैं 7th-8th से लेके 12th-11th तक की क्लासेस। मयंक जी, किस तरह का अभाव आपने सरकारी स्कूल में जब अध्ययन कर रहे थे आप तो देखने के मिला? अमूमन चूंकि हम लोग भी धरातल की स्थितियाँ देखते हैं तो बड़ी कमज़ोर नज़र आती है। शिक्षा जो है वो चंद लोगों को शायद ही मिल पाती है बेहतर तरीके से। सर, ये हमेशा से देखने में लगा कि सरकारी स्कूल में थोड़ा सा अभाव रहा है कि उतनी सुविधाएं एक जो अंग्रेजी मीडियम में मिल पाती हैं, हिंदी मीडियम पे नहीं हो पाती। इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया कि हाईटेक क्लासेस बच्चों को दे पाऊँ, उनको सेपरेट हम लोग का प्रयास चल रहा है, कंप्यूटर क्लासेस भी हम लोग स्टार्टेड करने वाले हैं जो सभी बच्चों को मतलब निःशुल्क रहे। बहुत अच्छी बात। और हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं कि उनको मतलब कॉलेज तक, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक हम लोग ऐसा गाइड करें कि मतलब उनका भविष्य सिक्योर हो जाए। अभी आप किस क्लास से लेके किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? अभी तो सर 3rd से लेके 12th तक है, तो बेसिकली फोकस जो होता है हम लोगों का 3rd से 10th तक ही होता है सर। और जो बच्चे यहाँ 10th तक पास आउट होते तो हम लोगों को 11th-12th कंटिन्यू। तो मयंक जी, सिर्फ बरेला क्षेत्र के ही वो लोग हैं या उससे आसपास के क्षेत्र के लोग भी आते हैं? सर, इसमें घुघरी से भी आते हैं, कलगुड़ी से भी आते हैं, शारदा मंदिर से आते हैं, परतला से आते हैं, महंगवा से आते हैं, मतलब चारों तरफ का क्षेत्र जो हम लोगों ने कवर करके रखा हुआ है। मतलब बच्चों में इतना जुनून है कि बच्चे अगर 5-7 किलोमीटर भी दूर उनका गांव है तो वहां से सुबह 7 बजे 8 बजे यहां पर आ जाते हैं। निरंतर बच्चे आते हैं, बच्चे यहां पर अनुपस्थित भी नहीं होते हैं क्लासेस में, रोज़ क्लास अटेंड करते हैं। अगर 2 टाइम बैच लगते दोनों टाइम बच्चे यहाँ पर आते हैं। मतलब हम लोगों से ज़्यादा जुनून बच्चों में। बिल्कुल सही बात आपने कही है, जुनून चूंकि आपके अंदर भी उतना दुगना है, उतनी ऊर्जा है, तब जाके आप कहीं ना कहीं उन बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। मयंक जी, कैसे चूंकि बच्चे इतनी दूर से आते हैं, आप लगातार मेहनत करते हैं, तो आपका शेड्यूल क्या रहता है और आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं? चूंकि हर दिन कुछ नया पढ़ाना, कुछ नया करना बड़ा टास्क होता है। जी सर, जी सर। सर, मेरा तो रूटीन ये है कि मैं सुबह 6 बजे मतलब वर्किंग टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, 7 o'clock से मेरी क्लासेस रहती हैं, तो 7 से 10 o'clock में क्लासेस लेता हूँ 3 से 3.5 घंटे। फिर उसके बाद मेरा जो शॉप होता है मैं उस पर थोड़ा ध्यान देता हूँ। फिर उसके बाद 5:30-6 बजे से फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो वो 8:15-8 बजे तक क्लासेस चलती हैं। तो सुबह का जो मेरा फ्री टाइम और शाम का जो मेरा फ्री टाइम मैं इन बच्चों के लिए देता हूँ, तो लगभग ऐसा होता है कि हम लोग 8 से 10 घंटे पर डे
इन बच्चों को देते हैं और सेपरेट बैच प्रोवाइड कराते हैं। बच्चों को कैसा महसूस होता है, क्योंकि उनके माता पिता भी आपसे लगातार संपर्क में रहते होंगे, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ के आमजन का? सर बहुत एक ऐसा रिस्पॉन्स मिला है इन बच्चों से कि इन्होंने मतलब पैसों को अब शिक्षा को पैसों से तोलना बंद कर दिया है, जो हमारे एक मायना रख दिया गया था कि शिक्षा और पैसा मतलब ये डिफरेंट मतलब ये चीज़ आना नहीं चाहिए, मतलब हम शिक्षा की तुलना हम पैसे से नहीं कर सकते हैं। तो और ये जो इन बच्चों में देखने मिला कि अभी हम लोगों ने एक चीज़ की कोरोना के टाइम पर क्लासेस ऑफ हो गई थी, तो उसमें क्या होता है इन बच्चों में जो चीज़ मैंने किया तो इन बच्चों ने भी क्या किया अपने अपने क्षेत्रों में, जो सीनियर स्टूडेंट थे यहाँ के, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में 5-5, 10-10 बच्चों को घर घर जाके पढ़ाई कराई है सर। तो लगभग हम लोग का 150-200 बच्चों का टारगेट था, तो इन बच्चों ने वो टारगेट। तो कोरोना काल में चूंकि गाँव क्षेत्र में टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं मिल पाता है, स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते हैं बच्चों के पास में, तो किस तरह की भूमिका, चूँकि आपने कहा छोटे छोटे समूह में लोग पढ़ाते हैं। सर समूह ऐसा था कि जैसे एक परिवार में 5 भाई बहन पढ़ते थे, उसी परिवार के थे, तो उसका जो बड़ा भाई या बहन था उसने अपना लिया कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, और ऐसे करते करते आजू बाजू के ही मतलब जो उनके घर के बाजू के थे उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो ऐसे ऐसे 5-5, 6-6 ग्रुप बन गए, और ऐसे 10-12 लोग थे, तो लगभग लगभग हम लोगों ने 100 स्टूडेंट को कवर अप किया था कोरोना काल में। और लगभग अब तक कितने छात्रों को पढ़ा चुके हैं और कितना वर्ष हो गया है पढ़ाते पढ़ाते? सर मैंने जब मैं 19 साल का था शायद तब से स्टार्ट कर दिया था बच्चों को पढ़ाना। तो पहले मैं क्या होता था कि नॉर्मल पढ़ाता था, मेरी खुद की क्लासेस नहीं थी, फिर 2017 में मैंने खुद का इंस्टीट्यूट ओपन किया, तो उसमें फिर कंटिन्यू करते करते अभी 600 से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं यहाँ से मतलब लाभ ले चुके हैं, और अभी 150 से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ अध्ययन। बिल्कुल मयंक जी, लगातार प्रयास आप करते रहें, अपना सेवा का भाव लगातार दिए रहें। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने निस्वार्थ को छोड़कर समाज के हित के लिए कुछ ऐसे अथक प्रयास कर जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। याद रखिएगा तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, एक बच्चा एक लड़का जब पढ़ता है तो सिर्फ वो अपना विकास करता है, अपने परिवार का विकास करता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ के शिक्षित हो जाती है तो वो दो परिवार का विकास कर देती है और आने वाली पीढ़ी का विकास कर देती है। मयंक जी, जाते जाते संस्कार धानी वासियों को और बरेला क्षेत्र के तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर मैं बच्चों को केवल यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा तभी कारगर सिद्ध होगी जब वो आपके स्वयं के साथ साथ देश और समाज हित में काम में आए, और हम मतलब हर छात्र का या छात्रा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। यदि आप समाज हित और देश हित में यदि आपकी शिक्षा काम आती है तो आपका जीवन सफल है, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ छात्र। बिल्कुल मयंक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और पल पल इंडिया की टीम आपको ढेरों बधाइयाँ देती है, जिस तरह से आप अथक प्रयास कर रहे हैं ये बड़ा सराहनीय कार्य है सर, लगातार इसी तरह के प्रयास करते रहें। और तमाम दर्शक जो देख रहे हैं हमें इस वक्त, उन सभी से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको जो भी व्यक्ति मददगार दिखाई पड़ रहा है, जिसकी मदद आप कर सकते हैं, उसकी मदद अवश्य करें, और मयंक जी जैसे तमाम शिक्षकों को जो लगातार समाज के हित में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन सभी शिक्षकों को पल पल इंडिया की टीम सैल्यूट करती है। फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान से, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे अपने पल पल इंडिया न्यूज़ के साथ।